Assalamu alaikum. So today I will discuss about the John Locke primary and secondary qualities. हम कहते हैं कि let's begin with our definition कि whatsoever the mind perceives in itself कि दिमाग जो भी perceive करता है और is the immediate object of perception. जब वो कुछ परसीव करता है उसके सामने एक ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसको वो परसीव कर रहा है. ठीक है, थॉट और अंडरस्टैंडिंग आई कॉल इट आइडिया. वो कहता है कि वो आइडिया है जो कि मेरा माइंड परसीव कर रहा है. एंड द पावर टू प्रोड्यूस एनी आइडियाज इन आवर माइंड, और वो पावर जिसके जरिए से मेरे जहन में आइडियाज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, आई कॉल क्वालिटी. वो क्वालिटी है उस ऑब्जेक्ट की विद इन दैट पावर इज. वो कहता है कि वो जो आइडिया जनरेट करने की पावर है वो उस ऑब्जेक्ट की क्वालिटी है. ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट की क्वालिटी क्या है कि वो आपके जहन में आइडियाज को प्रोड्यूस करता है. राइट, सो लॉक डिफाइंस क्वालिटीज को ये डिफाइन कैसे करता है, एज पावर्स टू प्रोड्यूस आइडियाज इन आवर माइंड्स. ऑब्जेक्ट में ऐसी ताकत होती है, ऐसी उसमें स्ट्रेंथ और ऐसी पावर होती है कि वो आइडियाज को हमारे जहन में प्रोड्यूस करती है. एंड सो दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वालिटीज इन द ऑब्जेक्ट में डिफरेंट काइंड्स जो क्वालिटीज की होती हैं आर गोइंग टू बी डिस्टिंग्विश्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज. कि वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटीज होंगी किसी भी ऑब्जेक्ट में वो हमारे जहन में मुख्तलिफ तरह के आइडियाज को जनरेट करने की ताकत रखती हैं. दे प्रोड्यूस इन आवर माइंड. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर हेयर इज दैट क्वालिटीज और आइडियाज दोनों ही डिफरेंट थिंग्स हैं. ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आइडियाज आपकी मेंटल एंटिटीज हैं. ठीक है, द थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन आवर माइंड, वो चीजें जो कि आपके जहन में एग्जिस्ट करती हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करके वो प्रोड्यूस, वो आपका जहन जो है वो आइडियाज ले लेता है. जबकि क्वालिटीज क्या होती हैं, वो कॉजल प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की, इन वर्च्यू ऑफ व्हिच दे कैन कॉज आइडियाज टू एग्जिस्ट इन आवर माइंड्स. वो कहता है कि वो ऐसी कॉजल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की ऐसी पावर्स होती हैं जो कि कॉज बनती हैं और एज अ इफेक्ट हमारे माइंड में आइडियाज जनरेट हो जाते हैं. ठीक है, दैट इज इन वर्च्यू ऑफ व्हिच दे कैन कॉज अस टू हैव सर्टेन काइंड्स ऑफ सेंसेशंस, जिसके जरिए से हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में डिफरेंट तरह की सेंसेशंस ले सकते हैं. ठीक है, हम उनको समझ सकते हैं. आगे जब मैं प्राइमरी और सेकेंडरी में इनको डिस्टिंग्विश करूंगी तो आपको बेटर समझ आएगी इस कॉन्सेप्ट की. सो आइडियाज आर सेंसेशन इन आवर माइंड्स. तो आइडियाज क्या होते हैं, वो हमारे माइंड में सेंसेशंस होते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, हम अपने सेंस एक्सपीरियंसेस उनको परसीव कर लेते हैं और हमारे माइंड में आइडियाज जनरेट हो गए. ठीक है, और क्वालिटीज क्या हो गई, वो प्रॉपर्टीज हैं उस ऑब्जेक्ट की जो कि उन सेंसेशंस का कॉज बनता है, जिनके इफेक्ट में हमारे जहन में आइडियाज प्रोड्यूस हो जाते हैं. राइट, सो इन हिज एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जॉन लॉक ऑफर्स द आर्ग्यूमेंट दैट ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड हैव प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज. अब वो ये कहता है कि इन दो चीजों की बुनियाद के ऊपर, आइडियाज और क्वालिटी की बुनियाद के ऊपर, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज रखते हैं. ठीक है, प्राइमरी क्वालिटीज क्या होती हैं? लॉक क्लेम्स दैट प्राइमरी क्वालिटीज आर द क्वालिटीज विच एग्जिस्ट विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड रियली एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ आर परसेप्शन. वो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी अपनी क्वालिटीज होती हैं. ठीक है, मतलब कि वो जो क्वालिटीज ऐसी होती हैं, प्राइमरी क्वालिटीज जो कि उसके अंदर इनकल्केट होती हैं, वो उसकी बेसिक क्वालिटीज होती हैं. हमारा माइंड उन क्वालिटीज को खुद से जनरेट नहीं करता है, बल्कि जब वो ऑब्जेक्ट को परसीव करता है वो उनको एज इट इज परसीव करता है. उन क्वालिटीज को, ऑब्जेक्ट की इन क्वालिटीज को वो एज इट इज ही परसीव कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, बल्क, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी बल्किनेस कितनी है. ठीक है, बल्कनेस कितनी है, वो कितने नंबर्स में है. ठीक है, आपके पास 3 बॉटल्स पड़ी हैं, आप उनको काउंट करके बता सकते हैं. वो जो आप काउंटिंग कर रहे हैं ना, वो आप अपने जहन के आउटसाइड है. ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की क्वालिटी है. आपको पता चल जाएगा कि ये 3 बॉटल्स हैं. आप 3 बॉटल्स को कभी भी 4 बॉटल्स नहीं कहेंगे. ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म का क्लैश नहीं है. फिगर्स हैं, अ फिगर किसी भी तरह का हो सकता है, वो एक ट्राइंगल है, वो एक सफियर है. एक ट्राइंगल अगर कोई इंसान देखे, कोई सफियर एक इंसान देखे,
वो दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकता है, वो सफियर को सफियर ही कहेगा और ट्राइंगल को ट्राइंगल ही कहेगा, क्योंकि ये उस ट्राइंगल की अपनी प्रॉपर्टीज हैं जो कि उसके अंदर इनकल्केटेड है। ठीक है, वो कोई हम लोग हमारे जहन नहीं बना रहा उन प्रॉपर्टीज को, बल्कि वो ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह से मोशन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव कर रहा है या बैकवर्ड मूव कर रहा है तो सब इंसान उसको एक ही तरह से परसीव करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि ये उस ऑब्जेक्ट की क्वालिटी है, ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही एक ऐसी ताकत है, हम उसको वैसे ही परसीव कर रहे हैं जैसे कि वो है। तो प्राइमरी क्वालिटीज का बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग हुई वो ये हुई कि हम चीजों को वैसे परसीव करेंगे जैसे वो खुद में हैं। ठीक है, हम हमारा जहन अलग से नहीं करेगा, डिस्टिंग्विश नहीं करेगा, वो हर इंसान उस चीज को उसी तरह से देखेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ ग्रेन ऑफ व्हीट। अब आप क्या करें कि आप एक ग्रेन ऑफ व्हीट लें, ठीक है, उसके आप उसको आप कट कर दें, उसके दो बराबर हिस्से कर दें। अब आपने उसके बराबर दो हिस्से कर दिए, लेकिन वो जो ग्रेन ऑफ व्हीट है ना, उसकी जो एक बेसिक पावर है वो सेम बिल्कुल वैसी है। कौन सी पावर है? उसका वेट है। ठीक है, वेट दोनों का बराबर कम हो गया है, लेकिन दोनों में वेट मौजूद है। उसका एक सर्टन टेक्सचर है, आप उसके दोनों पार्ट्स को टच करके देख लें, उसका एक टेक्सचर है। ठीक है, वो एक एक्सटेंडेड बॉडी है, आप उन दोनों को वैसे ही देख सकते हैं। ठीक है, वगैरह वगैरह व्हीट की जो भी क्वालिटीज होंगी वो आपको एज इट इज ही नजर आएंगी। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि जब आपने व्हीट को डिवाइड कर दिया, उसकी जो क्वालिटीज थी, उसका जो टेक्सचर था, उसका जो वेट था वो वैसे ही रहा, उसका वेट था, उसका एक टेक्सचर था, उसकी एक वेलोसिटी थी, उसमें कोई चीज थी वो वैसे ही रही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। ठीक है, इवन सो आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी न्यूट्रिशन, चाहे वो न्यूट्रिशन कम होगी है, लेकिन व्हीट ग्रेन और व्हीट की एक न्यूट्रिटिव वैल्यू फिर भी रहेगी। ठीक है, इसी तरह से जब हम सेकेंडरी क्वालिटीज की बात करते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट है आपकी प्राइमरी क्वालिटीज से। कैसे? लॉक क्लेम्स दैट दे आर ओनली पावर्स ऑब्जेक्ट हैज टू कॉज अस टू हैव आइडियाज ऑफ कलर, स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड टेक्सचर। इसका मतलब ये है कि जब आप ये देखते हैं ना कि जो ऑब्जेक्ट के पास वो कहता है ऐसी पावर है कि वो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आइडियाज को जनरेट करवा देती है अपने मुतल्लिक। ठीक है, किस तरह से आप कलर की बात कर लें, स्मेल की बात कर लें, बहुत सारे लोग कलर्स को डिफरेंटली परसीव करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए स्मेल कोई पंजेंट हो सकती है, कोई बहुत प्लेजेंट स्मेल हो सकती है। ठीक है, साउंड किसी के लिए बहुत लाउड होगा, कोई कहेगा कि नहीं बहुत स्लो है। इसी तरह से टेक्सचर का मसला आ जाता है कि भाई कोई कहेगा कि ये इसका टेक्सचर सॉफ्ट है, वो कहेगा इसका टेक्सचर बहुत हार्ड है, कुछ भी हो सकता है। और दीज क्वालिटीज डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट इन विद इन द ऑब्जेक्ट। वो कहता है कि ये जो क्वालिटीज है ना सर्टन तरह की, ये आपका माइंड ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट के पास वो पावर है टू जनरेट आइडियाज इन योर माइंड। ठीक है, तो वो कहता है कि ये क्वालिटीज जो है वो ऑब्जेक्ट में एज इट इज मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हॉट एंड कोल्ड वाटर, अगर आप किसी भी बॉल में एक बॉल में पानी रखते हैं, ठीक है, वो चाहे हॉट है या कोल्ड है, लेकिन जब अपना हैंड उसमें डिप कर देते हैं तो कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं पानी ठंडा नहीं है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं पानी जो है वो थोड़ा ठंडा है, उनको क्योंकि उनको अपने जिस्म के हिसाब से वो पानी ठंडा महसूस हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो पानी ठंडा महसूस नहीं हो रहा है, उनको गर्म महसूस हो रहा है। ठीक है, तो ये अपनी अपनी परसेप्शन की बात होगी। प्राइमरी क्वालिटीज, इसीलिए हम ये कहेंगे कि प्राइमरी क्वालिटीज ऑब्जेक्टिव है, नेवर चेंजिंग। हर एक इंसान उन ऑब्जेक्ट्स को उसी तरह से परसीव करता है, वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, वो तब्दील नहीं होती है। जबकि जो सेकेंडरी क्वालिटीज होती हैं कंटिंजेंट ऑन परसेप्शन। सेकेंडरी क्वालिटीज वो होती हैं कि जैसे भी आप चीजों को परसीव कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि हाउ द, लेकिन अब हम ये कहें कि हाउ सेकेंडरी क्वालिटीज एग्जिस्ट ओनली इन माइंड। कि सेकेंडरी क्वालिटीज ऐसा क्या है कि सेकेंडरी क्वालिटी सिर्फ आपके माइंड में एग्जिस्ट करती है, ऑब्जेक्ट के पास पावर है, आपके माइंड में खुद ब खुद आइडिया कोई ना कोई जनरेट हो जाता है। प्राइमरी क्वालिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर अटरली इनसेपरेबल फ्रॉम देम। वो कहते हैं कि जो प्राइमरी क्वालिटीज है ना, असल में वो इनसेपरेबल है। ऑब्जेक्ट के पास उसकी प्राइमरी क्वालिटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। What it means is that primary qualities are the ultimate qualities of the ultimate constituent of matter. वो कहता है कि जो primary qualities है ना वो तो आपके पास ultimate qualities हैं, वो तो होंगी ही होंगी उस object के अंदर।
ठीक है, और उन्हीं वो कहते हैं कि आप प्राइमरी क्वालिटीज से ही सेकेंडरी क्वालिटीज की तरफ चले जाते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप अलग से कोई आइडियाज जनरेट कर रहे हैं, बल्कि आप प्राइमरी क्वालिटीज में ही ऐसे ही सेकेंडरी क्वालिटीज को जनरेट कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द प्राइमरी सेकेंडरी क्वालिटीज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन अल्लाह।